तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दानिश लर्नर पे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश का एक लर्निंग प्लान लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है जैसा टू सुपर और ये क्लास 5 का है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे उर्दू हिंदी और मैथ और EVS का आप लर्निंग प्लान देख सकते हैं, वो लगभग 60 मैंने डाला हुआ है, तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लर्निंग प्लान नंबर लिखना होगा, उसके बाद नेम, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, सब्जेक्ट, ये सब लिखने के बाद आप जनरल ऑब्जेक्टिव देंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप 3-4 ऑब्जेक्टिव देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिया है, तो टू डेवलप स्टूडेंट लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, स्टूडेंट विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। उसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देंगे, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट अबाउट द जीसस क्राइस्ट। इस तरह से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देने के बाद आप टीचिंग मेथड लिखेंगे, तो यहाँ आप कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग राइटिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और रोल प्ले मेथड। तो उसके बाद आप टीचिंग एड लिखेंगे, टीचिंग एड लिखने के बाद आप स्टूडेंट प्रायर नॉलेज लिखेंगे, तो स्टूडेंट नो अबाउट जीसस क्राइस्ट बट दे डोंट नो द स्टोरी। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, तो पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा टीचर स्टेटमेंट और तीसरा है स्टूडेंट एक्शन। तो इसमें आप 3-4 सवाल करेंगे, जैसे पहला है हैव यू एवर हियर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट, स्टूडेंट्स आंसर्ड यस। इस तरह से आप 3-4 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, तो स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू अबाउट जीसस क्राइस्ट, थ्रू दिस स्टोरी यू विल बी एबल टू नाउ दैट वी शुड हेल्प अदर वेन दे आर इन नीड। यहाँ तक हो जाने के बाद आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे, प्रेजेंटेशन में आप 5 कॉलम बनाएंगे, तो पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट, दूसरा है टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट एक्शन और टीचिंग मेथड और लास्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आप यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में आप लिख दीजिएगा जैसे आप पढ़ा रहे हैं, उस तरह से टीचर एक्शन में भी लिखिएगा। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आप सिंपली उसके बाद लिखेंगे रिपीटेशन ऑफ द स्टोरी, यानी जो आप स्टोरी पढ़ाए हैं उसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना है। और वहाँ तक हो जाने के बाद आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें आप 3-4 क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, उसके बाद आप होमवर्क दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।